मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है स्पिनिंग इंडस्ट्री का, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की डेट में हर इंडस्ट्री में, पूरे विश्व में रिसेशन चल रहा है, मतलब मंदी चल रहा है। और मंदी का दौर में स्पिनिंग मिल में अपन क्या क्या चीज़ करेंगे ताकि ये जो मंदी का पीरियड है वो अपना ओवरकम हो जाएगा, मतलब इससे अपन उभर जाएंगे। तो उसके लिए अपने कुछ आइडिया निकाले जिसको हम आपको शेयर करना चाहते हैं। अगर आप इस पॉइंट में थोड़ा बढ़िया से विचार करेंगे तो मैं सोचता हूँ ये जो मंदी का टाइम है आपकी ख़त्म हो जाएगा। और मंदी का टाइम क्यों होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें अभी आज की डेट में कॉटन के भाव कोई फिक्स नहीं है, कभी भी गिर जाता है, कभी भी ऊपर जाता है। वो धागे का भी ऐसे ही प्ले होता है रेट का, मतलब कुछ गारंटी नहीं रहता। आज ये इतना रेट में समझ लो कॉटन खरीदा, वो धागा बढ़ाएंगे तो उसमें कोई फ़ायदा होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं रहता। तो इसीलिए मिल मालिक लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, या जो सीनियर लेवल पे जो काम करते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। आजकल आपने सुना होगा न्यूज़ में दे रहा है कि फलाना एरिया का सब स्पिनिंग मिल बंद किए, उधर का बंद किए, रिसेशन चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, करोड़ों का घाटा हो रहा है। तो उसको अपन अवॉइड करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कैसे ये, जैसे समझ लो 2-3 महीना का रहेगा तब तक कैसे सर्वाइव करेंगे। अपन मेल को चलाना है, चालू रखना है, और अगर चालू नहीं रखेंगे समझ लो बंद भी कर दिए तो वर्कर माइग्रेट कर जाएंगे, फिर वर्कर बाद में कलेक्ट करने में दिक्कत जाता है, वो फिर आपके वर्कर टाइम पे नहीं मिलेंगे तो और घाटा होगा। तो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ क्या, देखिए ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ। डू नॉट कीप हाई स्टॉक। आप कभी भी कोई मिल में अभी के डेट में कोई हाई स्टॉक नहीं रखना, ना रॉ मटेरियल रखना, ना धागा रखना, दोनों चीज़ बिल्कुल हैंड टू माउथ रखो। कोई फालतू की जमावड़ा करके कोई मतलब नहीं है। जमा करके रखोगे, समझ लो आपने कॉटन खरीद लिया 10 करोड़ का और कल पता चला पर कंडी 10,000 घट गया तो आपके कुल मिलाकर लॉस होगा। और ऐसे चीज़ धागे का भी जमा करके रखने कोई फ़ायदा नहीं है। जितना जो रेट में कॉटन खरीदते हो उसी रेट में जो धागा जिस टाइम जैसे रहते हैं उसे सेल करते रहो। धागे का ना स्टॉक रखना, ना कॉटन का स्टॉक रखना, दोनों अपने लिए खतरनाक है, ये ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड एक्सपेंसेस, जो फालतू की खर्चा, फालतू की खर्चा बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं करनी है, जो मिनिमम चाहिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वही चीज़ खरीदने का। फालतू की जो तामझाम वाला खर्चा रहता है, ये ला के दो, वो ला के दो, वो सब नहीं खरीदना, ये सब खर्चा कट करना कुल मिला के। डू नॉट एंगेज एक्स्ट्रा हैंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे समझ लो आपके 20,000 स्पिंडल का आदमी है, आपने सैंक्शन स्ट्रेंथ एग्जाम्पल दिया 110 आदमी लगेगा, तो 110 ही देना, उससे ऊपर एक भी आदमी नहीं देना। एक्स्ट्रा हैंड भी अगर दोगे ना तो आपके कुल मिला के आपको लॉस में, वैसे ही लॉस जाता है तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। एक्स्ट्रा हैंड तो कभी भी अलाउ नहीं करना। और डू नॉट अलाउ ओवर टाइम। एक चीज़ देखो, ओवर टाइम के बारे में बता दूँ, जिस खाते में जैसे मेंटेनेंस में फोरमैन स्ट्रांग रहता है, वो दिन में इतना काम कर लेता है, रात के टाइम ओवर टाइम करना नहीं पड़ता, ब्रेकडाउन नहीं होता। और समझ लो कई कई मिल में रात में ब्रेकडाउन हुआ, उसमें ओवर टाइम बुलाना पड़ता है किसी मेंटेनेंस वाला को, बिजली वाला को, वो सब चीज़ अवॉइड करिए। अगर ओवर टाइम बुलाएंगे बहुत इमरजेंसी के, समझ लो आपके ब्लो रूम ब्रेकडाउन हुआ तो आपको ओवर टाइम बुलाना ही पड़ेगा, क्यों, ब्लो रूम हम बंद नहीं रख सकते। समझ लो एक सिंपलेस बंद हो गया या एक कार्ड बंद हो गया, तो उस केस में आप ओवर टाइम अवॉइड करना। या समझ लो मंदी का टाइम चल रहा है, आपकी मतलब वर्कर भी ओवर टाइम रखा, जैसे रिम फ्रेम में, ऑटो कॉर्नर में, ऐसे कैसे अवॉइड करो। हाँ, आपकी समझ लो कार्डिंग लाइन बन जा रहा है एक कारीगर के कारण, इसको बंद नहीं रख सकते हो, उस जगह ओवर टाइम लगा। तो ओवर टाइम आपको कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना, आप इसको सोच विचार करके लगाना। वो कुल मिलाकर ओवर टाइम इसको मिनिमम करना है, ओवर टाइम ज़्यादा लगानी नहीं। और उसके बाद देखिए, कीप क्वालिटी लेवल एक्सीलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपकी मंदी का टाइम होता है ना, आपके धागा समझ लो थोड़ा बहुत 19-20 है, पार्टी लेगा नहीं, इसको 20 का 20 ही चाहिए, मतलब बढ़िया क्वालिटी चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी में ज़रा सा भी गड़बड़ है
तो पार्टी उठाएगा नहीं, तो रेट कम करने बोलेगा, मंदी के टाइम में कुछ भी खेलेगा। तो इसीलिए अब क्वालिटी लेवल हमेशा ध्यान रखिए, एक्सीलेंट रखना, गुड नहीं एक्सीलेंट रखना। उसके बाद कीप मिनिमम स्टाफ्स, जहाँ पे समझ लो 2 सुपरवाइजर लगता है वहाँ 1 कर सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला 3-4 लगते हैं वहाँ 2 कर सकते हो। ऐसे जहाँ पे कम से कम स्टाफ लगा सकते हो वो कर लेगा, कमर्शियल स्टाफ में भी जहाँ पे ज़रूरत है काम कर सकते हो। स्टाफ कुल मिला के कम रखना और न्यू रिक्रूटमेंट टू अवॉइड, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो मंदी का टाइम है नया अपॉइंटमेंट नहीं करना। समझ लो मैं आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एक GM है, एक DGM है, ठीक है, इसमें समझ लो कोई एक आदमी चला गया तो दूसरा रिक्रूटमेंट मत करो, उससे अच्छा GM का वर्कलोड थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको एरिया बता दीजिए भाई ये चीज़ देखना है, वो मैनेज कर लेगा। तो सीनियर स्टाफ में सुपरवाइजर स्टाफ कम है लेना पड़ेगा, लेकिन जो सीनियर स्टाफ है उसमें आपको न्यू रिक्रूटमेंट करना नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। न्यू रिक्रूटमेंट करोगे तो आपकी बहुत मतलब खर्चा बढ़ जाएगा। डू नॉट अलाउ एनी कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे आपकी रिंग चेंज करने का प्रोग्राम था, या कार्डिंग का वायर चेंज करने का प्रोग्राम था, या कहीं मेजर खर्चा करना था, तो ये सब चीज़ थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। कैपिटल जो एक्सपेंसेस है वो बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल बड़ा बड़ा खर्चा नहीं करना। जहाँ छोटा छोटा खर्चा है, जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। समझ लो ब्लोर में कहीं एक बेयरिंग टूट गया तो इसको तो आपको देनी पड़ेगी, आप बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं कर सकते। और उसके बाद देखो रिड्यूस स्टोर इन्वेंटरी, वो जो अभी 2-3 महीने का रिसेशन टाइम रहेगा, स्टोर का खर्चा बिल्कुल उसी में मैनेज करो। स्टोर का फालतू की खर्चा वगैरह ताम झाम करने का ज़रूरत नहीं है, स्टोर का इन्वेंटरी बिल्कुल कम कर दो, ज़्यादा नहीं बढ़ा के रखना सामान। उसके बाद देखो रन प्रॉफिटेबल काउंट रिफरेंस फास्ट, ये क्या चीज़ होता है ये भी समझने वाली चीज़ है। समझ लो आपके रिम फ्रेम में, मैं बोल रहा हूँ एक मशीन में 30 CS में, एक मशीन में आपकी समझ लो 30,000 रुपया पर डे मिलता है, और समझ लो 20 CS में आपकी समझ लो 15,000 रुपया पर डे मिलता है। तो उसमें क्या करोगी, जो आपकी प्रॉफिटेबल काउंट जो आपको अच्छा फायदा देता है वो मशीन पहले चलाना, आप भी कम है जो कम प्रॉफिट वाला मशीन को बंद रखना, लेकिन पूरा जो अच्छा प्रॉफिट वाला मशीन उसको फर्स्ट चलाना, वो आदमी बचेगा फिर दूसरा वाला मशीन चलाना। वो आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, कौन सा मशीन चलानी कौन सा बंद रखनी। और टाई अप विथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ क्या टाई अप रखनी, समझ लो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप पावर लिए हो, समझ लो एक दिन आपको मालूम पड़ा कि 6 घंटा पावर जाने वाला है, तो 6 घंटा पावर जाने वाला है तो उस टाइम में होगा, अगर आपके पास पूरा मजदूर होंगे 6 घंटा बैठ के जाएंगे पगार भी लेंगे, तो उससे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी वाला को टाई अप रखोगे तो पहले से इंटीमेशन करेगा आपके 6 घंटे का पावर कट होगा। तो आप कम से कम स्टाफ रखेंगे, मिनिमम स्टाफ रखेंगे, मिनिमम वर्कर रखेंगे, मेंटेनेंस वगैरह करा लेंगे, लेकिन उस दिन का खाली पीली का फालतू का पगार नहीं जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ टाई अप रखना बहुत ज़रूरी है। और अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, हर क्षेत्र में आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आए, प्रोडक्टिविटी आए विथ क्वालिटी, वो आपको नज़र रखना पड़ेगा कैसे आएगा। रिड्यूस वेस्ट परसेंटेज इन ऑल एरिया, हर जगह पे जैसे सॉफ्ट वेस्ट वगैरह रहता है, हार्ड वेस्ट रहता है, हर जगह में वेस्ट का कंट्रोल करने का सिस्टम डालने का, जैसे कम से कम वेस्ट बने, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा बनता है तो आप वेस्ट बनने के बाद क्या होता है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बढ़ जाता है, वेजेस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है, और वो जो अच्छा माल वेस्ट के रेट में बेचना पड़ता है वो भी कॉस्टिंग का बहुत दिक्कत जाता है। तो ये वेस्ट जो रिडक्शन होता है ये एक बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है, इसको हर क्षेत्र में कम करना, वेस्ट कहीं बढ़ के नहीं आए। उसके बाद देखो ट्राई फॉर एक्सपोर्ट लॉट्स, वो ज़्यादातर कोशिश करो एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले, उसमें थोड़ा मार्जिन अच्छा रहता है ताकि इंडस्ट्री सुधर जाएगा। उसके बाद देखो टेक मोटिवेशनल क्लासेस ऑफ वर्कर्स एंड स्टाफ्स, वर्कर स्टाफ का
अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन जो इतना ख़राब है उसके बारे में इनको ऑफिस में बुला के मोटिवेशनल क्लास लेने का, ये सारी चीज़ पे पढ़ाने का, वेस्ट कैसे कम करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे लेना है, एफिशिएंसी कैसे लेना है, आइडल स्पिंडल कैसे कम करना है, ओवरटाइम कैसे कम करना है, कौन सा मशीन पहले चलाना, कौन सा मशीन बाद में चलाना, ये सब चीज़ मोटिवेशनल क्लास जरूर लेना है वर्कर और स्टाफ का। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मशीनरीज, हर खाते का मशीन का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, आदमी का कैसे यूटिलाइजेशन होगा बढ़िया मतलब तरीके से, उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ऑप्टिमम स्पीड इन ऑल एरियाज, हर क्षेत्र में आपकी मैक्सिमम स्पीड लेके चलना, कम स्पीड कहीं नहीं चलना। कम स्पीड लेके चलोगे तो आपकी यूकेजी बढ़ जाएगा, और मैक्सिमम स्पीड तब लेना जब पूरा ट्रायल लेके क्वालिटी लेवल पे आप सेटिस्फाइड हो। अगर क्वालिटी लेवल आपकी ख़राब होता है वो मैक्सिमम स्पीड लेके, तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक जा सकते हो क्वालिटी लेवल मेंटेन करके वहाँ तक स्पीड लेने का। आइडल स्पिंडल कीप 0%, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखो। आइडल स्पिंडल अगर आपकी ज़्यादा रहेगा तो वो मिल कभी प्रॉफिट नहीं दे सकता, तो आइडल स्पिंडल कोशिश करें बिल्कुल 0% रहे। आइडल स्पिंडल मतलब पूरी खाता संभल, 20,000 स्पिंडल का खाता चल रहा है, 10 बार आइडल रहे, उससे ज़्यादा नहीं करना। आइडल स्पिंडल का ऊपर भी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। तो अब आज की जो सिचुएशन के बारे में बताएं, अगर आपकी सिचुएशन से आप उभरना चाहते हो तो ये सब स्टेप आपको लेना पड़ेगा। और आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, और आप लोग को दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।